हेलो एंड वेलकम टू अमेरिकन हेयरलाइन। बहुत लोग हमें ये सवाल पूछते हैं कि सेलिब्रिटीज क्या करते हैं, यूजुअली वो ट्रांसप्लांट करते हैं या नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट जैसे पैचेस पहनते हैं। बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है नेट पे और सब अपने अपने तरफ से बात कर रहे हैं। नाउ वी यूजुअली डू अ लॉट ऑफ दीज टेलीविजन एक्टर्स एंड वी हैव डन क्वाइट अ फ्यू सेलिब्रिटीज। तो आपको हम ऑफकोर्स नाम नहीं ले सकते सेलिब्रिटीज का, हम जरूर आज एक टेक्निक शेयर करेंगे जो मोस्ट ऑफ नहीं ऑलमोस्ट सभी ने, जो आपको लगता है कि इन्होंने पैच पहना है या ट्रांसप्लांट कराया है, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट दिस इज द सीक्रेट। और ये मैं सीक्रेट रिवील करने वाला हूँ, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हमारे क्लाइंट है जो आप देख सकते हो, इनका अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल डेंसिटी काफी लो है। टॉप एरिया में भी इनको ऑफ कोर्स पहले हमने पैच सजेस्ट किया था, लेकिन इनका हेयरलाइन एरिया भी जो आप देख सकते हो उसका डेंसिटी काफी लो है। अब क्या होता है, बहुत बार जब हेयरलाइन रख देते हैं नेचुरल, लेकिन अगर उनका डेंसिटी लो है और बैक ऑफ पैच का डेंसिटी हाई है तो भी वो फेक लगता है। So let me tell you that what most celebrities do. What we did for this client was, हमने ये hairline area with the temple area और जो sides area जो तो पीछे चले गए थे, इतने area को हमने पूरा transplant कर लिया है। ये basically क्या होता है कि कौन से area में कितने grafts और कितने distance पे लगना चाहिए, it's too technical. What we try to do is we get in sync with the doctors और हम explain करते हैं कि हम कितना density use करने वाले non-surgical hair replacement में, और हमारे साथ जिसका tie up है हम उनके साथ क्या करते हैं, hair transplant को पूरी तरह design करते हैं कि हम लोग कितने number of strands चाहिए है वो square inch में। So basically क्या होता है, वो बनने के बाद पूरा sync हो जाता है hair patches का और ट्रांसप्लांट का, और उसका हेयरलाइन में जो डेंसिटी था उसको इंक्रीज कर दिया आफ्टर द ट्रांसप्लांट। इसमें क्या होता है, अभी ट्रांसप्लांट हुआ और अभी छोटे छोटे बाल वो उगना चालू होने वाले हैं। सो कीप इन माइंड, यूजुअली व्हेन यू डू अ ट्रांसप्लांट एफयूवी टेक्निक में यू हैव टू ट्रिम द हेयर, तो शायद आपको 4-5 दिन घर पे बैठना होगा, क्योंकि पहले 4-5 दिन वो स्कैबिंग होता है तो इतना अच्छा नहीं लगता है, बट इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। पहले के ट्रांसप्लांट सर्जरी में बहुत सारा स्कार होता है, इनमें आप अगर देखा जाए तो इनके बैक एरिया से जहाँ पे ट्रांसप्लांट किया है इनमें स्कार जरा भी नहीं है, बिकॉज दिस इज दी FUU फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन मेथड से ये किया गया है। एनीवे लेट्स गेट बैक टू द क्लाइंट। 15 डेज आफ्टर द ट्रांसप्लांट वी कैन पिक द हेयर सिस्टम, दिस इज एन एक्सीलेंट मेथड, देयर इज नथिंग बियॉन्ड दिस। विद हेयर ट्रांसप्लांट आपको बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं आएगा, हाँ थोड़े बहुत पैचेस भर जाएंगे, लेकिन यू आर नॉट गोइंग टू गेट द वॉल्यूम दैट यू डिजायर। दिस इज एन एक्सीलेंट ऑप्शन फॉर पीपल हु वांट अ कंप्लीटली नेचुरल लुक। इनका जो हेयर ट्रांसप्लांटेड है वो पूरा रूट से ग्रो हो रहा है एंड इट लुक्स एक्सट्रीमली नेचुरल। और पीछे वाले एरिया में हमने हेयर सिस्टम लगा दिया है जिनका लाइफ अप्रोक्सीमेटली 6-8 months है। नाउ व्हाट हैपेंस इज बिकॉज सो नेचुरल पीछे ध्यान ही नहीं जाता है, एंड वी मैच इट ब्यूटिफुली इन टर्म्स ऑफ लेंथ वॉल्यूम टेक्सचर, तो वो फ्रंट में से भी बहुत ही ज्यादा नेचुरल लगता है। सो दिस इज वॉट मोस्ट सेलिब्रिटीज डू, दे डू द हेयरलाइन ट्रांसप्लांट फॉर द फ्रंट एरिया, और पीछे जो है वो एक्सेस वॉल्यूम आके उनको वो वॉल्यूमिनस हेयर स्टाइल मिल जाता है। दिस इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन वेदर, जहां पे ट्रांसप्लांट भी हुआ है, नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट भी हुआ है, बट द रिजल्ट्स आर एक्सीलेंट। यू कैन हैव अ ब्रश बैक हेयर स्टाइल ऑल्सो एंड वी कैन डिजाइन इट। ओनली थिंग इज दैट दिस हैज टू बी प्लान्ड वेरी वेल। अगर आप कहोगे कि मुझे 1 week में करना है और 2 महीने मुझे फाइनल लुक चाहिए, ऐसा नहीं होता है। यू कैन कंसल्ट आवर एग्जीक्यूटिव्स, आप वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हो, ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना पड़ता है। बहुत सारे ये सवाल पूछेंगे कि क्यों नहीं मैं हेयरलाइन का पैच ही लगाओ, हेयरलाइन पैच इज नॉट अ बैड ऑप्शन। यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन एंड यू कैन फाइंड अ लिंक जहाँ पे ये हेयरलाइन पैचेस के बारे में वीडियो है, दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। कीप इन माइंड हेयरलाइन पैचेस में इट्स हाई मेंटेनेंस, पीपल हु डोंट वॉन्ट टू डू सर्जरीज एंड दे आर ओके विद द मेंटेनेंस, हेयरलाइन पैचेस इज अ गुड ऑप्शन फॉर देम। And people who don't want to get into the maintenance part and they are okay with the hair transplant bit, ye hairline hair transplant would be a good option for you. We have one more video about whether you should do a transplant or no. There is a video, you can click on the I button. Yahan pe aapko ye video mil jayega jahan pe aapko ek transplant consider karna chahiye ya nahi karna chahiye. However, this video is about a combination method jahan pe aapne transplant bhi kiya hai aur non-surgical hair replacement bhi kiya hai.
So please try to do a lot of research and then take a call. However, if you need any information regarding this, you can contact 9222-333-111 and our executives will be happy to help you. And you can send your pictures, they'll give you more information. Thank you so much and subscribe to American Airlines. Thank you.